प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 6,10,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बांटेंगे 2,991 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी मार्च में सरकार के 4 साल पूरे होने तक 4 लाख युवाओं को दी जाएगी सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री ने 436 नव नियुक्ति माध्यमिक शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम ने कोविड-19 का टीका लगवाने को बताया जायज। कहा इस्लाम में जान बचाना है फर्ज, मुस्लिम समाज के लोग बेखौफ होकर इस टीके को लगवाएं। और वहीं भारत आज से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार सहित पड़ोसी देशों को कोरोना से बचाव के टीकों का करेगा निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीके के निर्यात पर खुशी जताई। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी। अरब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 6,10,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 2,991 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सहायता में 5,30,000 ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें PMAYG के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार के कार्यकाल में 4 वर्ष पूरे होने तक प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अब तक 3,75,000 पदों पर सरकारी भर्तियां की जा चुकी हैं। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के 436 प्रवक्ता और सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त शिक्षकों से वर्चुअल संवाद भी स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई भी उंगली नहीं उठी, क्योंकि भारतीय प्रक्रिया बेदाग और पारदर्शी रही है। कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे, यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों की 3,300 से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था, उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था, यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी डोज 15 फरवरी से दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण के अभियान के लिए सभी तैयारियां समय पर कर ली जाएं। पहले चरण के वैक्सीनेशन के अंतर्गत अगले 3 सप्ताह में सभी हेल्थ वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2021 से प्रथम चरण में वैक्सीनेट लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। और बरेली की सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाली दरगाह आला हजरत से संबंधित संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम ने कोरोना के लिए प्रयोग की जा रही वैक्सीन को लगवाना जायज ठहराया है। संगठन के महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रेसवार्ता में कहा कि कोरोना के टीके को लेकर अभी तक मुस्लिम समाज में जो भ्रांतियां रही हैं वो बेबुनियाद हैं। उलमाओं ने दवा से संबंधित सभी जानकारियां जुटाई हैं जिसमें ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है कि वैक्सीन में कोई नाजायज चीज मिलाई गई हो, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग बेखौफ होकर इस टीके को लगवाएं। उन्होंने कहा वैसे भी इस्लाम में जान बचाना फर्ज है, ऐसे में अगर दवाई के तौर पर इसे लिया जाए तो किसी नाजायज चीज का सेवन भी जायज हो जाता है।
जितने भी उलमाए इकराम हैं और मस्जिद के अइमा हजरात, इन सब लोगों की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि समाज के अंदर जो गलतफहमियां और अफवाहें फैल रही हैं उसका तदारुक किया जाए, यानी उसकी रोकथाम की जाए। और बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि इसमें जायज़ या नाजायज़ जो पहलू है इस पर भी वजाहत की जाए। तो उलमाए किराम ने यह फैसला किया कि कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज़ है, चूँकि इसमें तमाम जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी लोगों से हमने राय ली और सबसे तहकीकात करके हमने ये पूछा कि कोरोना वैक्सीन की दवा में कोई नाजायज़ चीज़ तो नहीं मिलाई गई है। तो तमाम मेडिकल ऑफिसर्स और जो तहकीकाती और रिसर्च के जो इदारे हैं उन लोगों ने ये बताया कि इसमें किसी भी नाजायज़ चीज़ की आमेजिश नहीं की गई है। कोई भी चीज़ ऐसी वैक्सीन दवा में नहीं मिलाई गई है जिससे नाजायज़ करार दी जाए। तो इसलिए उलमा ने फैसला किया कि आवाम के दरमियान इसका ऐलान किया जाए, इसका इजहार किया जाए कि कोरोना वैक्सीन का लगने वाला जो टीका है बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है और उसको बेखौफ बेखतर लगाना चाहिए। और भारत आज से पड़ोसी और प्रमुख भागीदारी देशों को टीकों का निर्यात करेगा। भारत की तरफ से ये पहल उनके अनुरोध पर की गई है। भारत ने कोविड महामारी से लड़ने में अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मानवता को प्रमुखता दी है। जिन देशों को टीकों की आपूर्ति आज से की जाएगी उसमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स शामिल हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की उनकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर टीके के निर्यात पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भारत को एक लंबे समय तक भरोसेमंद साझेदारी के रूप में सम्मान मिला है। कई देशों को कोविड के टीकों की आपूर्ति आज से शुरू होगी और आने वाले दिनों में और भी देशों को ये सहायता मिलेगी। और कोरोना महामारी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश में 10,064 मामले सामने आए हैं, जो 7 महीने के बाद सबसे कम आंकड़े हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी 2 लाख तक पहुंच गई है, जो 7 महीने में सबसे कम है। और यही नहीं, मंगलवार के दिन शाम 6 बजे तक 1,70,368 लोगों का टीकाकरण किया गया और शाम 6 बजे तक कुल आंकड़ा है वो 6,31,417 टीके अब तक कुल दिए जा चुके हैं। यानी कोविड पर अब हम दो तरफा हमला कर रहे हैं। निर्णायक दौर में पहुंच चुकी कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार नई सफलता हासिल कर रही है। देश में एक ओर टीकाकरण का अभियान संक्रमण की चेन तोड़ रहा है तो वहीं नए मामले भी अब 7 महीने में सबसे कम आ गए हैं, जो कि बड़ी सफलता है। भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है। हर दिन आने वाले केसों की संख्या पिछले 24 घंटों में 10,064 हो गई है, जो 7 महीने के बाद सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी 2 लाख हो गई है, जो 7 महीने में सबसे कम है। जबकि हर दिन मृत्यु 140 से कम हो गई है और 8 महीने के बाद ये सबसे कम है। देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत, इनकी संख्या 2 लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है। ये 7 महीने के बाद हुआ है। हर दिन जो कोविड से मृत्यु होती हैं वो अब 140 हो गई हैं। ये स्थिति 8 महीने के बाद आई है और प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु लगातार घट रही है। नए मामलों में सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र और केरल से है, जबकि मृतकों की संख्या भी महाराष्ट्र और केरल से ही ज्यादा है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और ये 1,02,28,753 है। ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 96.66% हो गई है। वहीं संक्रमण से मृत्यु दर 1.44% है। वर्तमान में 2,528 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 1.90% है। केवल 2 राज्य महाराष्ट्र और केरल में सक्रिय मामलों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो देश के तमाम हिस्सों में टीकाकरण जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर कोविशील्ड और कुछ जगहों पर कोवैक्सीन दी जा रही है। भारत पहले दिन टीकाकरण के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। पहले दिन 2,07,000 से ज्यादा टीके लगे। यही नहीं, पहले हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया के देशों ने जितने टीके पहले हफ्ते में लगाए भारत ने ये आंकड़े पहले 3 दिन में ही पार कर लिए। जहां तक टीकाकरण के बाद होने वाले असर की बात है वो भी भारत में बेहद कम है।
एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18% इज द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन एंड 0.002 इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। दीज आर फेयरली लो, इनफैक्ट लोएस्ट सो फार एज वी नो इन द वर्ल्ड इन द फर्स्ट 3 डेज। देश में टीका के बाद होने वाले गंभीरता को देखने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने फिर दोहराया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हेल्थ वर्कर्स से अपील की है कि वो इसे जरूर लगाएं। वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, अच्छे बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, दो दो वैक्सीन बनाए और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुंचा दिया। और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है। और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज अपनाइए। इट इज वेरी क्लियर दैट बोथ दीज कोविड वैक्सीन्स आर वेरी सेफ। वैक्सीन डज नॉट कॉज कोविड-19, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वैक्सीन प्रिवेंट्स कोविड-19, वेरी क्लियर। थर्ड पॉइंट, vaccines prevent COVID-19 deaths. This is very important. So the time to take the vaccine is now. अब तक के टीकाकरण की बात करें तो शुरुआती दो दिनों में लक्षद्वीप, सिक्किम और ओडिशा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और पंजाब का सबसे खराब रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय कम टीकाकरण वाले राज्यों से संपर्क कर उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश कर रहा है। 3 राज्य गोवा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश हफ्ते में 2 दिन टीकाकरण कर रहे हैं और इन्हें बढ़ाने के लिए कहा गया है। 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 दिन टीकाकरण कर रहे हैं, जबकि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 4 दिन टीकाकरण कर रहे हैं। मिजोरम 5 दिन, जबकि आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप हफ्ते में 6 दिन टीकाकरण कर रहे हैं। और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 789 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या घटकर 8172 रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के संक्रमित लोगों में से 8584 लोगों की मृत्यु भी हुई है। 24 घंटों में संक्रमण के 376 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 789 है। डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 580,482 हो गई है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8584 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय संक्रमण बहुत ही निचले स्तर पर है और जो पॉजिटिविटी का रेट है वो इस समय 0.4% के आसपास चल रहा है। कल प्रदेश में 1,21,486 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,64,46,710 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में और उनको याद रखने के लिए भारत सरकार हर साल अब 23 जनवरी को उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी से इस पराक्रम दिवस को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस मौके पर पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगे। खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें।
देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से पहले सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे और प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में नेताजी के जीवन से जुड़ी 125 कहानियों को दिखाया जाएगा। ये प्रदर्शनी 2 साल तक चलेगी। इस मौके पर पीएम सुभाष चंद्र बोस के पत्रों की संकलित पुस्तक का अनावरण भी करेंगे। प्रधानमंत्री आजाद हिंद फौज के जीवित सैनिकों को भी सम्मानित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम कलकत्ता में है, जहां पर विक्टोरिया हॉल में एक कार्यक्रम होगा, जो स्थायी तौर पर प्रदर्शनी 2 वर्ष तक वहां पर चलेगी। उसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। आईएनए के जो प्रमुख जीवित योद्धा हैं, उनका वहां सम्मान भी होगा और बंगाल की धरती पर जो आईएनए के द्वारा दिए गए 3 और ऐसे नाम हैं जो अब स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान प्रतीक के रूप में किया जाएगा। नेताजी के जन्म के 125वें वर्ष की याद में 23 जनवरी को ही उनके जन्म स्थान कटक और ऐतिहासिक महत्व के हरिपुरा और त्रिपुरी में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही साल भर पूरे देश में कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बनाया जाएगा। युवाओं को आकर्षित करने के लिए देखो हमारा देश वेबिनार आयोजित किया जाएगा। देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा मंत्रालय देश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। बीटिंग रिट्रीट में आजाद हिंद फौज की धुन कदम कदम बढ़ाया जा को शामिल किया जाएगा। एयर इंडिया के कुछ विमानों पर नेताजी का चित्र लगाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। नेताजी पर सिक्के जारी किए जाएंगे। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। एयर इंडिया ने विमानों पर नेताजी के चित्र लगाने का फैसला किया है। नेताजी के नाम पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेल मंत्रालय ने तय की है। 5 भारतीय विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित 5 पीठों की स्थापना होगी, ये शिक्षा विभाग का फैसला है। नेताजी पर लघु फिल्म प्रतियोगिता, भारत के लिए नेताजी के सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पूरा एक एपिसोड बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में और उनको याद रखने के लिए सरकार ने हर साल 23 जनवरी पर उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इससे देश के लोगों, विशेषकर युवाओं को विपत्ति का सामना करने के लिए नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उन्हें देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता संग्राम के ऐसे सेनानी हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। नेताजी देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हमेशा बने रहेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत कुछ किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत और संवाद का यह दौर लगातार जारी है और यह आज भी जारी रहेगा। हालांकि पिछले कई बैठकों में दोनों पक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बना पाए हैं। वहीं मंगलवार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति की बैठक हुई। क्या होगा आगे, कब निकलेगा इस मामले का समाधान, यही सवाल आज भी शायद एक बार फिर से पूछा जाए। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार बातचीत के जरिए लगातार समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। सरकार का प्रयास है कि कृषि कानूनों को लेकर जो भ्रम उनके बीच है उन्हें दूर किया जाए और इसी मुद्दे को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है जो बुधवार को भी जारी रहेगी। एक तरफ जहां किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी में है, जिस पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस कतई नहीं चाहती। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की 50 साल की विनाशकारी नीति के चलते किसान गरीब रहा। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का कभी भी उचित मूल्य नहीं दिया गया। आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा?
50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। किसान संगठन के नेताओं का भी कहना है कि सरकार और उनके बीच जो भी मुद्दे बचे हैं उनका समाधान बातचीत के जरिए ही होगा। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल देंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। इस बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक हुई। सदस्यों की अगली बैठक गुरुवार को होगी। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के विचार जानकर 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे। हमने सभी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को सुनना है, जो नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो कानूनों को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स है उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, या उनको कानून पूरी तरह से रद्द करना चाहते, जो भी उनका स्टेटमेंट है हमें उनसे सुनना है। और उनको सुनने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। कृषि कानूनों का कुछ किसान संगठन विरोध भी कर रहे हैं, वहीं तमाम ऐसे भी किसान संगठन हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून से उन्हें अपनी फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा, इसके साथ ही वे कहीं भी देश में अपनी फसल को बेच सकेंगे। बाराबंकी में उन्नत खेती देखने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधामोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का सबसे बड़ा हितचिंतक बताते हुए कहा है कि गांवों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार बड़ी धनराशि दे रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से आग्रह किया कि जिस तरह भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय की बात मान रही है, किसान भी सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करें। बाराबंकी के गांव दौलतपुर में पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा की उन्नत खेती को देखकर राधामोहन सिंह और सूर्य प्रताप शाही ने संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की और किसानों से उन्नत खेती की तकनीक को अपनाने की अपील भी की। उन्हीं 3 गुनी राशि आवंटित की जा रही है। मोदी जी का सपना है गांव को मजबूत बनाना, और बड़ी धनराशि को दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गांव में योग्य और कुशल नेतृत्व हो, ताकि नरेंद्र मोदी जी का सपना गांव को मजबूत बनाने का जो है वो पूरा हो सके। और इसी दृष्टिकोण से कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है जी, कि हम गांव में बताएं कि मोदी जी को सपना पूरा करना है तो योग्य और कुशल नेतृत्व आप चुनकर लाएं। कोर्ट के इंस्ट्रक्शन का लोगों को पालन करना चाहिए। न्यायपालिका ने जो कहा है भारत सरकार उसका सम्मान करती है, और बाकी दूसरे लोगों को भी उसका सम्मान करना है। और प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे बेरोजगार ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राजकीय फल संरक्षण केंद्र के प्रभारी डॉ संजीव कुमार सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने से लेकर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसी क्रम में मॉल ब्लॉक में 3 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्रशिक्षार्थियों को खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण गांव में ही स्वरोजगार कर आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाला कार्यक्रम महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार योजना के तहत यह हम लोगों का गांव-गांव में जाकर इस प्रकार के शिविर लगाने का है। ये 3 दिन का जागरूकता प्रशिक्षण है। इसके पश्चात जो भी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर उद्योग लगाना चाहता है उसके लिए सरकार 1 माह का बृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे आलमबाग प्रशिक्षण केंद्र में चलाया जाएगा, और उसके पश्चात उन उद्यमियों को सरकार द्वारा 1 लाख रुपये अनुदान के तौर पर देकर उनको स्वरोजगार स्थापित कराया जाएगा। मेरे पति बेरोजगार हैं, तो हम अपने घर खर्च चलाने के लिए
सरकार के द्वारा जो हमें ये जो उत्पादक बनाने के लिए सीख दी जा रही है उससे जुड़कर हम अपना घर चला सकते हैं। मेरे पापा मजदूर हैं, मैं उनकी आर्थिक स्थिति के लिए मदद करना चाहती हूँ। सरकार के द्वारा हमारे गांव में आम का अचार बनाना सिखाना, खाद्य चीज़ों का संरक्षण कराना सिखाया जा रहा है। मैं उसमें सीखकर सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी मिलेगी उसके द्वारा अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूँ। आज यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्वावलंबी बनने के लिए, और उसमें मैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। मैं एक हाथ से विकलांग हूँ और बेरोजगार भी हूँ। जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो हमें बड़ा ही सराहनीय मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार है और मैं अपने सहारे इस धंधे को अपनाना चाहता हूँ, जो कि मैं अपने परिवार की से हम परवरिश कर सकूँ। और बाराबंकी के मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज में मंगलवार को प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ द्वारा कोविड-19 एवं स्वच्छता पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग द्वारा संगोष्ठी और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 15 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विभाग के अपर महानिदेशक आरपी सरोज रहे, साथ ही विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील कुमार शुक्ला, कार्यक्रम प्रभारी राजेश बरनवाल और क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जय सिंह भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर विभाग के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के अपर महानिदेशक आरपी सरोज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित तथा प्रभावी है। लोग सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बल्कि सरकार से संबंधित किसी भी खबर की पहले प्राथमिकता जांच लें और उसके बाद ही उस पर विश्वास करें। कोई भी व्यक्ति पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आदि माध्यमों की मदद से सरकार से संबंधित फेक न्यूज के बारे में पता कर सकता है। माध्यम से और हमारे और विभाग के सारे डिपार्टमेंट्स जो है इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इन सबको लेकर के आज ये जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम यहाँ किया गया है। कुछ अफवाहों में कोई दम नहीं है, ये केवल जो है समाज में जो है एक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इस भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहें। जब तक आपको पूरी जानकारी वैक्सीनेशन के बारे में रहेगी तब तक आप इन भ्रांतियों को पूरी अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से सफल रहेगा। प्रदेश के 12 जिलों में लगातार ये कोरोना को लेकर के हम लोग प्रचार अभियान चला रहे हैं, जो लोक संपर्क ब्यूरो के हमारे सभी सहयोगी हैं, और चेतना रथ के माध्यम से लगातार ये हम लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए और टीकाकरण को लेकर के जो किसी तरह की भ्रांति से या अफवाह से बचने के लिए यह अभियान लगातार जारी है। और माघ मेला क्षेत्र में कोविड-19 टीकाकरण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान जारी है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा माघ मेला क्षेत्र के शिविर में कोविड-19 टीकाकरण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को छठे दिन हरविंदर कुमार यादव लोकगीत पार्टी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में जनमानस को कोरोना संक्रमण, टीकाकरण तथा स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण, टीकाकरण तथा स्वच्छता के बारे में पूरे माघ मेला क्षेत्र में विशेष रूप से चेतना रथों के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो प्रयागराज द्वारा जगह जगह पोस्टर, बैनर, हैंडबिल तथा स्टिकर के माध्यम से लोगों को कोविड टीकाकरण के बारे में बताया जा रहा है। कई दिनों से अरैल, झूसी और माघ मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर पूरे मेला क्षेत्र में हमारे 9 जो है चेतना रथ घूम रहे हैं। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, लोगों को हैंडबिल्स दिए जा रहे हैं, स्टिकर्स चिपकाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे कोरोना से बचा जाए और कैसे टीकाकरण का लाभ आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है जिसमें टीकाकरण और कोरोना के बारे में जानकारी दी गई है, और इसका शीर्षक है हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के 6,10,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बांटेंगे 2,991 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी मार्च में सरकार के 4 साल पूरा होने तक 4 लाख युवाओं को दी जाएंगी सरकारी नौकरियां। मुख्यमंत्री ने 436 नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम ने कोविड 19 का टीका लगवाने को बताया जायज, कहा इस्लाम में जान बचाना है फर्ज, मुस्लिम समाज के लोग बेखौफ होकर इस टीके को लगवाएं। और वहीं भारत आज से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार सहित पड़ोसी देशों को कोरोना से बचाव के टीकों का करेगा निर्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीके के निर्यात पर खुशी जताई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।